सत श्री अकाल जी, साडे चैनल विच तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली नू दिवाली दिया मेरे वालों बहुत 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 शुभकामनावां। तुहाडे सारिया दी दिवाली बहुत वधिया जावे, सारिया खुशियां ए दिवाली दा त्योहार तुहाडे घर विच लै आवे ते तुहाडा घर खुशियां नाल भर जावे जी। ते चलो जी, अज सारे लोग दिवाली ते बिजी हन, मैं भी बहुत बिजी हाँ, इस करके मैं ए उपाय तुहानू छोटा जा उपाय है पर बहुत ही अच्छा पावरफुल उपाय है, क्योंकि यह हर साल मैं अपनी जो YouTube फैमिली नू यह उपाय करवांदी ही करवांदी है, क्योंकि यह खास दिन का खास उपाय है। आज दिवाली है, उपरों दी आज मसिया भी है। हां जी, ते जेड़ी मेरी पुरानी वीडियो होएगी वो तो कई लोगों नू नहीं मिलती है, इस करके नवी वीडियो पाई है ताकि हर कोई तुसी देख सको। यह जेड़ा उपाय है तुसी मतलब समझ लो सोमवार दी सवेर नू करना है, ठीक है। एतवार दी रात भी लगा सकते हो, क्योंकि जब तक सूरज नहीं चढ़ता है ते आपां उसनू एतवार दा दिन ही समझते हम, ठीक है। आज दा दिन तुसी दिवाली मनाओ खूब अच्छी तरह, आना जाना अपने रिश्तेदारां दे घर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जिथे भी जेड़े लोग पाठ पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, पूरा जो तुसी अपने दिवाली दे रिचुअल्स करते हो करो। उस तो बाद तुसी की करना है, ए जेड़ा उपाय है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का उपाय है, पर ए बहुत ही ज्यादा चमत्कार तुहाडी जिंदगी विच लियांदा है। करना की है, जेड़ा तुहाडा घर दा जेड़ा कचरा इकट्ठा होंदा है ना, उस नू तुसी रात नू ध्यान ना सुनना, रात नू मतलब समझ लो जदो सोमवार दा दिन चढ़ जाएगा सवेरे 4 बजे, उस कचरे नू इकट्ठा करके एक काले रंग दे पॉलीथीन विच पा लेना। जे काले रंग दा पॉलीथीन नहीं होंदा, वैसे तो सारे दे कोल मेरे ख्याल होएगा ही, जे नहीं है तो जेड़े कचरे दी बाल्टी है उसनू ही चुकना ते पूरे अपने घर विच घुमाना ते बोलना कि साडे घर दी जिन्नी भी गरीबी है, साडे घर दे जिन्ने भी दुख है, जो भी साडे घर डिप्रेशन है, किसी नू टेंशन है, जो पैसियां दे दी कमी है, जां पितृ दोष लग गया है, कोई किसी ने साडे ते तंत्र मंत्र कीता, जिन्नियां भी तुहाडियां परेशानियां है ना, ओ कचरे नू लै के घूमदे घूमदे तुसी बोल देनियां है पूरियां परेशानियां, ठीक है। ते फिर उस कचरे नू ले जाके बाहर किधरे तुसी कोई जेड़े बाहर पब्लिक वाले डस्टबिन होंदे हन उहदे विच पा के आ जाओ, या किते सुनसान जगह ते रख के आ जाओ, पर पिछे मुड़ के नहीं देखना है। तुहानू आवाज आएगी कि कोई तुहानू पिछे आवाजा मार रहा है या तुहानू कोई बुला रहा है, पर तुसी बिल्कुल भी पिछे मुड़ के नहीं देखना। घर आके ठीक है अपने घर दे मेन गेट ते एक लोटा पानी दा पा देना है ते नहा धो के बस तुसी अपना फ्रेश हो जाना है। ए जदो तुसी सवेरे कचरे दा उपाय करना है या टोटका कह सकते हो करना है, तो यह बिना नहाते धोते ही तुसी ए करके आना है, ठीक है। जेकर तुसी ए उपाय कर लिया, क्योंकि हर साल तुहानू मैं दस रही हां मैं दिवाली ते ए करवांदी ही करवांदी है सारिया, तो इसका बहुत ही चमत्कारी लाभ होया है सारिया नू और हुंदा भी है, क्योंकि मेरी फैमिली दे नाल नवे नवे मेंबर जुड़ते रहते हैं, उन्होंने यह नहीं पता होगा, इस करके मैं वीडियो दोबारा बनाई है जी। देखो यह जरा उपाय है ना, साडे वड्डे वडेरे जेडे बजुर्ग सी ना वो सब करते सी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह फैशनेबल साडी लाइफ होंदी जा रही है ना, मॉडर्न लाइफ होंदी जा रही है, तो असि यह सारे जेडे रिचुअल्स है भुलते जा रहे हाँ। यह रिचुअल नहीं है, यह एक तरह का टोटका ही है जो कि सानू करना चाहिदा है, ठीक है। इस तो अलावा मैं तुहानू दस देवां कि जिथे तुसी अपने कचरे दा डब्बा रखदे हो उत्थे अज दिवाली वाले दिन दीवा एक जरूर लगाना, इस दे एक अलग ही मायने होंदे हन, ओ मैं तुहानू कदी बाद विचों दसांगी। इस तो अलावा जिथे तुसी ते इस तो अलावा जिथे तुसी झाड़ू रखदे हो उत्थे भी दीवा जरूर लगाना, ए बिल्कुल ना भुलना, कूड़े दे डब्बे दे कोल दीवा जरूर जगाना है, झाड़ू जिथे रखदे हो उत्थे दीवा जलाना है, हो सके तो अपने ईशान कोने दे घर दे जेड़ा ईशान कोना है पवित्र कोना होंदा है पूर्व उत्तर कोना होंदा है उत्थे भी दीवा लगाना बिल्कुल ना भुलना। ते शाम नू अज दिवाली वाले दिन शाम नू 5:30 to 6 बजे तो बाद बिल्कुल भी घर विच तुसी झाड़ू नहीं लगाना है। इस तो अलावा देखो जेड़ा अपना घर दा कूड़ा हुंदा है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਾਤੇ ਤੋਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ।